स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस अनीता राज जी के फिल्मी करियर के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अनीता राज जी की सबसे पहली मूवी आई थी 1981 में आई थी, जिसका नाम था प्रेम गीत। इस मूवी में अनीता राज और राज बब्बर लीड रोल में देखने को मिले। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1982 में मेहंदी रंग लाएगी। इस मूवी में अनीता राज, जितेंद्र और रेखा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। अगली मूवी 1982 में आई थी दूल्हा बिकता है। इस मूवी में अनीता राज, राज बब्बर, सिंपल कपाड़िया थी। ये मूवी ब्लो एवरेज। अगली मूवी 1983 में आई थी जरा सी जिंदगी। इस मूवी में अनीता राज, कमल हासन लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में प्रेम तपस्या। इस मूवी में अनीता राज, जितेंद्र, रेखा, विनोद मेहरा थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में कौन कैसे। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, रंजीता कौर थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में हमारी जीत। इस मूवी में अनीता राज, रजनीकांत लीड रोल में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में नौकर बीवी का। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनीता राज, रीना राय, राज बब्बर थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1983 में अच्छा बुरा। इस मूवी में राज बब्बर, अनीता राज, अमजद खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में बद और बदनाम। इसमें अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार देखने को मिले। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1984 में जमीन आसमान। इस मूवी में अनीता राज, संजय दत्त, रेखा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में लाखों की बात। इस मूवी में अनीता राज, संजीव कुमार, फारूक शेख थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में लैला। इस मूवी में अनिल कपूर, पूनम ढिल्लो, अनीता राज, सुनील दत्त प्राण थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में अंदर बाहर। इस मूवी में अनिल कपूर, अनीता राज, जैकी श्रॉफ, डैनी थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जीने नहीं दूंगा। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, शक्ति कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1984 में अब आएगा मजा। इसमें अनीता राज, फारूक शेख, आलोक नाथ थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1985 में कर्मयुद्ध। इस मूवी में अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1985 में ही मास्टर जी। इस मूवी में राजेश खन्ना, श्रीदेवी, अनीता राज थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में गुलामी। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती, रीना राय, नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 1985 में आई थी जानकी बाजी। इस मूवी में संजय दत्त, अनीता राज, गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जुल्म का बदला। इस मूवी में राकेश रोशन, अनीता राज, डैनी डंजम्पा थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में लवर बॉय। इस मूवी में राजीव कपूर, मीनाक्षी सेशाद्री, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में यार कसम। इस मूवी में राज बब्बर, अनीता राज, जीनत अमान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1985 में करिश्मा कुदरत का। इस मूवी में अनीता राज, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। अगली मूवी 1985 में आई थी बिहारी बाबू। इस मूवी में अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1986 में इल्जाम। इस मूवी में शशि कपूर, अनीता राज, गोविंदा, नीलम, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में काला धंधा गोरे लोग। इस मूवी में सुनील दत्त, अनीता राज, संजय खान, अनुपम खेर थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी प्यार किया है प्यार करेंगे। इसमें अनु कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरी, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1986 में आई थी तीसरा किनारा। इस मूवी में अनीता राज, राज बब्बर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मजलूम। इस मूवी में अनीता राज, सुरेश ओबेरॉय, मंदाकिनी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी असली नकली। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में एक और सिकंदर। इसमें मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, रति अग्निहोत्री, राकेश रोशन थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मोहब्बत की कसम। इस मूवी में अनीता राज जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में मेरा हक। इस मूवी में संजय दत्त और अनीता राज लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में ज्वाला आई थी। इस मूवी में अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1987 में इंसानियत के दुश्मन। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, स्मिता पाटिल, डिंपल कपाड़िया थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी 1987 में आई थी हवालात। इस मूवी में ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1987 में आई थी हिरासत। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी इंसाफ की पुकार। इसमें धर्मेंद्र, जितेंद्र,
सितारा भानुप्रिया थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में सत्यमेव जयते। इस मूवी में विनोद खन्ना, अनीता राज, माधवी, मीनाक्षी शेषाद्री थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1988 में अंजाम खुदा जाने। इस मूवी में अनीता राज, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डेंजम्पा लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1988 में आई थी सागर संगम। इसमें अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी गुलजार थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी मेरा मुकद्दर। इस मूवी में अनीता राज जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में शिव शक्ति। इसमें गोविंदा, किमी काटकर, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1988 में आई घर घर की कहानी। इसमें में अनीता राज, ऋषि कपूर, गोविंदा, फरहानाज थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी महावीरा। इसमें अनीता राज जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। अगली मूवी इनकी आई थी इसी साल में पाप को जलाकर राख कर दूंगा। इसमें धर्मेंद्र, अनीता राज, गोविंदा, फरहानाज थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में पांच फौलादी। इस मूवी में राज बब्बर, सलमा आगा, अनीता राज, अमजद खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जलजला। इस मूवी में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, किमी काटकर थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी साजिश। इस मूवी में अनीता राज, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, डिंपल कपाड़िया, राजकुमार थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1989 में आसमान से ऊंचा। इस मूवी में अनीता राज, जितेंद्र, गोविंदा, राज बब्बर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में नफरत की आंधी। इस मूवी में धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनीता राज, माधवी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी 1989 में आई थी क्लर्क। इस मूवी में अनीता राज, मनोज कुमार, ऋषि कपूर, धर्म, राजेंद्र कुमार थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1989 में आई थी बिल्लू बादशाह। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, गोविंदा, नीलम कोठारी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अभिमन्यु। इस मूवी में अनिल कपूर, अनीता राज, किमी काटकर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी ताकतवर। इस मूवी में संजय दत्त, गोविंदा, अनीता राज, नीलम कोठारी थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1989 में आई थी दो यार। इस मूवी में राज बब्बर, अनीता राज, आशा पारेख थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी जरूरत। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, कुमार गौर और रंजीता कौर थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1990 में पति पत्नी और तवायफ। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती, शर्मा आगा, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1990 में ऐसी हमसे नाटक राना। इस मूवी में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अनीता राज, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी 1990 में आई थी जमींदार। इस मूवी में राजीव कपूर, अनीता राज, किमी काटकर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1990 में आई थी शेर दिल। इस मूवी में धर्मेंद्र, अनीता राज लीड रोल में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी खतरनाक। इस मूवी में संजय दत्त, अनीता राज, फरहानाज थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में आतिशबाज। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, अनीता राज, आदित्य पंचोली थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी 1991 आई थी कसम काली की। इसमें राज बब्बर, अनीता राज, अमजद खान थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी कौन करे कुर्बानी। इस मूवी में धर्मेंद्र, नितिन, अनीता राज, गोविंदा थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी इसी साल में आई थी स्वर्ग जैसा घर। इस मूवी में अनीता राज, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी आई थी मौत की सजा। इस मूवी में अशोक कुमार, अनीता राज, आलोक नाथ थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1992 में आई थी अधर्म। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, संजय दत्त, अनीता राज थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1992 में आई थी विरोधी। इस मूवी में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, हनुमान कोहली, अनीता राज थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1994 में आई थी सबूत मांगता है कानून। इस मूवी में राज बब्बर, अनीता राज, शक्ति कपूर, अमजद खान थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 1994 में आई थी घर की इज्जत। इसमें जितेंद्र, ऋषि कपूर, कादर खान, अनीता राज थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1996 में गहरा राज। इस मूवी में अनीता राज, सलमा आगा, राज बब्बर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी आई थी 2008 में थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। इसमें जैकी श्रॉफ, अनीता राज, अरबाज खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2012 में आई थी चार दिन की चांदनी। इस मूवी में अनीता राज, तुषार कपूर थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2019 में आई थी #याराम। इसमें प्रतीक बब्बर, अनीता राज, सिद्धार्थ कपूर थे। ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। अगली मूवी 2019 में आई थी मुद्दा 370 JK। इसमें अनीता राज, जरीना भाव थे। ये मूवी डिजास्टर रही। 2020 मुन्नी मूवी आई थी दीनदयाल एक युग पुरुष। इसमें अनीता राज, अनिल रस्तोगी थे। ये इनकी लास्ट मूवी रही। अगर इनका करियर देखा जाए बॉक्स ऑफिस का, ब्लॉकबस्टर की कोई मूवी नहीं, सुपरहिट 3 रही, हिट 11 मूवी रही, सेमी हिट 2 रही, एवरेज, अबव एवरेज 1 रही, एवरेज 16 रही, ब्लो एवरेज 5 रही,
फ्लॉप 26 मूवी रही, डिजास्टर 9 मूवी रही, स्पेशल अपीयरेंस में 3 में दिया इनकी 76 मूवी टोटल रही। इनका सक्सेस रेशियो 52.05% रहा, जो कि ठीक ठाक ही रहा। तो आपको इनमें से इनकी कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।